इनर व्हील क्लब के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक कार्य एनसीआर सोनीपत हरियाणा में किया गया है। आईटीआई का अब सौंदर्यकरण हो चुका है। तो एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है। हम आपको यहां जरूर दिखाना चाहते हैं कि यहां पर मुख्य मेहमान का जोरदार स्वागत जो है वो यहां पर किया गया है और तिलक भी लगाया गया है। गुलाब के फूल अपने आप में महत्वपूर्ण रहते हैं। गुलाबी फूल हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह इनर व्हील क्लब इस चौक का सौंदर्यकरण जो है हो चुका है। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर उर्वशी मित्तल। कितनी खुशी मिलती है जब सकारात्मक कार्य होते हैं? जितनी आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखिए, भविष्य की इनरव्हील के बारे में आपको शायद पता होगा। इनरव्हील दुनिया की लार्जेस्ट वीमेन वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। 100 से ज्यादा देशों में है और इंडिया को 27 इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। दिल्ली और एनसीआर एरिया इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 में आता है। इसमें सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, मोदीनगर, गाजियाबाद, तिलकवा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब डिस्ट्रिक्ट 301 है। आज सोनीपत के हमारा ये नया क्लब खुला है। इस साल स्वर्ण सोनीपत, इनकी हमारी प्रेसिडेंट है नीतू दहिया और उषा भंडारी जी और सारे मेंबर्स साथ में खड़े हुए हैं इनर व्हील के इस चौक का सौंदर्यकरण। तो देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, वो तो डेफिनेशन है, लेकिन जो आंखों को दिखता है डेफिनेटली वो भी ब्यूटी है। चौराहे पे क्या होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो एक तो इसका आपने रखरखाव कर दिया। दूसरे, हमारा मंत्र इनर व्हील में वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन फॉर आउटकम। तो लोगों को, नीडी को, अंडर सर्व्ड को, मार्जिनलाइज को पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में भी हैं और जो इस साल अपने 100 साल पूरे करने वाली है, वो हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। तो यहाँ पे जो ब्रांडिंग हुई है, जो इतना बड़ा इन्होंने लगाया है, उससे लोगों को पता चलेगा कि इनर व्हील के बारे में भी, और एक अवेयरनेस होती है, आपको एक प्राइड फीलिंग होती है कि अब हमारी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम इस शहर को साफ रखें और जो हमारा मोटो है फ्रेंडशिप और सर्विस, उसे और आगे ले जाएं। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो सकारात्मक कार्य भी शक्ति ताकत से देखने को जरूर मिल रहे हैं। नीतू दहिया, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब स्वर्ण सोनीपत। आज हम यहाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौराहे का इनॉग्रेशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल के द्वारा आज, और इसका बड़े पूरे मेंबर्स में बहुत ही उत्साहित फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है हमें। हमारा इनर व्हील के काम रुकने वाले नहीं है, ये तो एक काम है, अभी तो अनेकों काम हमने शहर में करने हैं और इनर व्हील को हमने पूरे शहर में ब्रांड बनाना है। सकारात्मक कार्य अधिक से अधिक करने हैं तो हित भी सामने जरूर आता है। बिल्कुल। उषा भंडारी जी हैं और आपकी दिलचस्पी काफी सराहनीय रहती है। इनर व्हील चौक बन गया, ये इनर व्हील क्लब जो इंटरनेशनल है, और ये हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर, महिलाओं के लिए तो काम करता ही है, बाकी भी जाने के सभी कार्य करता है, अवेयरनेस के भी बहुत काम करता है और लोगों को जागरूक भी करता है, और सेवा और फ्रेंडशिप मित्रता के बेस पर ही ये क्लब बना हुआ है। इसका उद्देश्य है मित्रता और सेवा से जनहित के कार्य करना, और वो हम कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से। हमें बहुत खुशी होती है। इनर व्हील क्लब ने बहुत अच्छा कर दिखाया है और यहाँ पर आईटीआई चौक का सौंदर्यकरण जो है वो हो चुका है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि एनसीआर सोनीपत से सामने आ रही है। एक बार बात करने का प्रयास कर लेते हैं कि कुछ महिलाएं यहां पर इनर व्हील क्लब से जुड़ी हुई हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। एक क्लब सोशल वर्क करता है और ये आज हमने यहां पे चौक का नाम इनर व्हील स्वर्ण सोनीपत की तरफ से इनर व्हील चौक बनाया। क्या नाम है जी? निर्मल। क्या बोलना था? हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनर व्हील स्वर्ण सोनीपत। है एक महिला और है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? सुमन खन्ना चौधरी। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम समाज सेवी हैं और हमने इस तरह से इस चौक को इनर व्हील चौक का नाम दिया है और इससे हमने शहर का सौंदर्यकरण बढ़ाया है। यहाँ पर प्लांट्स लगाए हैं और प्लांट्स जो हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं क्योंकि हरियाली जहाँ भी बढ़ती है तो वो है सबको अच्छी
जरूर लगती है। यहाँ पे एक महिला और है, उनसे ही बात कर लेते। क्या नाम है जी? मेरा नाम रेखा राणा है और यहाँ पे हमने मैडम नीतू दैया जी के अध्यक्षता में जो ये संगमिल चौक बनाया है, मतलब एक अलग ही खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बात अच्छा इनको गौरिया और ये बहुत अच्छा ओकेजन है। आज हमने ये चौक पे हमने ये कर रहे हैं स्वागत मैडम उर्वशी जी का, तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम बिंदु शर्मा है और मैं इनर व्हील क्लब की मेंबर हूँ एक, और हम लोग इनर व्हील स्वर्ण सोनीपत से हैं, जो कि पूरे हम सोनीपत में, तो सोनीपत के हर कोने में जहाँ भी किसी को कोई भी जरूरत होती है तो वहाँ पहुँचते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट है वो नीतू दैया जी हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि चौक का उद्घाटन जो है आज यहाँ पर बाकायदा विधि पूर्वक हो चुका है, तो खुशी भी अनोखी देखी जा रही है। एक महिला और है, उनसे ही बात करते। क्या नाम है जी? मेरा नाम पुष्पा भूतानी है। जब से मैंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया है, मैंने देखा हर समय इनर व्हील क्लब के मेंबर्स समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि इनर व्हील क्लब वालों ने सौंदर्यकरण किया है सोनीपत का, और नीतू दैया के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम स्नेहलता, स्टेट अवार्ड शिक्षिका, और यहाँ इस जगह हम जो खड़े हैं इस जगह के बारे में बताते हैं। जैसा कि स्वच्छ भारत, हम बात करते हैं स्वच्छ सोनीपत की, तो स्वच्छ सोनीपत को रखने की दिशा में इनर व्हील स्वर्ण का एक सार्थक प्रयास है, जिसमें हमने एक ये ITI चौक को, जो कि अब आगे से इनर व्हील स्वर्ण चौक के नाम से पूरे शहर में सोनीपत में जाना जाएगा, इसको अडॉप्ट किया है। इसके विभा कुमार, मैं स्वर्ण सोनीपत क्लब की तरफ की सेक्रेटरी हूँ, और हम लोगों का कार्य यही है कि समाज सेवा करना, सब क्षेत्र में ज़्यादा के आगे बढ़ना और लोगों की भलाई करना, और ये चौक हमने अडॉप्ट किया है। पहले ITI नाम से जुड़ा हुआ था, अब उसको हम लोगों ने बदल करके इसको स्वर्ण सोनीपत कर दिया है। आज सोनीपत शहर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनर व्हील क्लब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना अच्छा सौंदर्य शहर के सौंदर्यकरण में जो योगदान दिया है, ये बड़ा सराहनीय है। आज भी से ITI चौक का नाम बदल करके और इनर व्हील चौक किया गया है। आने वाले समय में इनर व्हील क्लब स्वर्ण सोनीपत जो है अपनी एक पहचान सोनीपत के अंदर बनाएगा। मेरे NCR सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है, देखी जा रही है खुशी, काफी चेहरे हैं खुशहाल, और ये चौक बन चुका है अब इनर व्हील चौक। खास बात यह है कि इनर व्हील क्लब काफी वर्षों से सकारात्मक कार्य करता आ रहा है, और अब भविष्य में और भी अन्य चौकों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।